हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 98, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 2 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है, यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पार्ट ऊंट चला कविता से लिया गया है। इस वर्कशीट में आज हम पुनरावृत्ति मतलब कि रिविजन करने वाले हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम ऊंट चला पार्ट को दोहराएंगे। प्रश्न एक, नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें पढ़िए और इनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए बच्चों, कविता की इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। ठीक है, तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऊंट की गर्दन कैसी है? जल्दी से बताइए कि ऊंट की गर्दन कैसी है। बिल्कुल सही, ऊंट की गर्दन है ऊंची, यहाँ लिखा हुआ है ना, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। तो हम क्या लिखेंगे, ऊंट की गर्दन कैसी है? ऊंची। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, ऊंट क्या उठाकर चलता है? जल्दी से इन पंक्तियों में देखकर बताइए। बिल्कुल सही, पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो ऊंट क्या उठाकर चलता है? पीठ। तो आप यहां लिख देंगे पीठ। अगला देखिए, बालू को और क्या कहते हैं? तो बच्चों, आप बता सकते हैं कि बालू को और क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, बालू को और कहते हैं रेत। ठीक है, प्रश्न दो, नीचे कुछ चित्र और नाम वाले संज्ञा शब्द दिए गए हैं, दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनके नाम खाली जगह में लिखिए। तो बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आइए इन चित्रों को पहचानते हैं और इनके नाम खाली जगह में लिखते हैं। तो पहला चित्र बताइए किसका है? बिल्कुल सही, पहला चित्र है खरगोश का। दूसरा चित्र किसका है? अंगूर का, अंगूर। और तीसरा चित्र किसका है? बिल्कुल सही, ताजमहल। आप में से बहुत सारे बच्चे ताजमहल घूमने भी गए होंगे। चौथा चित्र बताइए किसका है? बिल्कुल सही, लड़की का। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इन सभी को नाम वाले शब्द भी कहते हैं और नाम वाले शब्दों को संज्ञा भी कहा जाता है। प्रश्न तीन, नीचे दिए गए शब्द समूह में से चंद्र बिंदु वाले शब्द छांटकर उन पर गोला लगाइए और खाली जगह में लिखिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र और बिंदु होता है वही शब्द चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं। इन शब्दों को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है अनुनासिक। इन शब्दों को मुंह और नाक दोनों की सहायता से बोला जा सकता है। आइए इन शब्द समूहों में से हम चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांटे। पहले शब्द समूह में कौन सा शब्द चंद्र बिंदु वाला है? बिल्कुल सही, पूंछ। कौन सा है? पूंछ। तो आप पूंछ को यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही दूसरे शब्द समूह में कौन सा शब्द चंद्र बिंदु वाला है? बिल्कुल सही, बूंद, बूंद। तो आप बूंद को यहाँ पर लिख देंगे। तीसरे शब्द समूह में कौन सा शब्द चंद्र बिंदु वाला है? बिल्कुल सही, चांद, चांद। तो आप चांद को यहाँ पर लिख देंगे। चौथे शब्द समूह में से
कौन सा शब्द चंद्रबिंदु वाला है ये आपको खुद से ढूंढना है और उसे यहाँ पर लिखना भी है। प्रश्न चार, एक अनेक पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो आओ बच्चों, हम एक अनेक पढ़ते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। बच्चों, एक का मतलब होता है कोई भी एक चीज़, और अनेक का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक बूंद, और ये क्या है, एक से ज़्यादा बूंदे हैं, तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, अनेक बूंदे। ऐसे ही एक गुब्बारा, और ये क्या है, एक से ज़्यादा गुब्बारे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनेक गुब्बारे। ऐसे ही एक मछली, और ये क्या है, अनेक मछलियाँ, एक मछली अनेक मछलियाँ। ऐसे ही यहाँ पर है एक मिठाई, और यहाँ पर है अनेक मिठाइयाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे अनेक मिठाइयाँ। ठीक है बच्चों, क्या आप राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जानते हैं? भारत में हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है, मतलब कि यहाँ पर बहुत से संस्कृति, भाषा व धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत के सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं, मतलब कि एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। आप जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास किया गया था, और उन्हीं की याद में हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।